आज स्कूल में आसामुरा से उसका दोस्त कहता है, हे आसामुरा, तुम्हारा सर तो बादलों में पहुंच गया है, तुम्हारे अंदर तो गर्मी बढ़ रही होगी, है ना? मैंने सुना तुम और नारासा का बहुत ज्यादा क्लोज थे। युटा कहता है, मैं तो पढ़ाई के बारे में उससे कुछ सवाल पूछ रहा था। उसका दोस्त कहता है, मैंने सुना वो तुम्हें बड़ा भाई बुलाती है, अगर तुम्हारे मन में रोमांटिक फीलिंग्स आ रहे हैं तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट होने के नाते मैं अपने साथी को उसकी प्यार दिलाने का पूरी कोशिश करूंगा। युटा कहता है, वो दिन आएगा तो मैं तुम पर ही निर्भर करूंगा। घर जाते टाइम युटा के पास नारासाका और साकी आते हैं। नारासाका कहती है, चलो साथ में घर चले। युटा कहता है, हाँ पर क्यों? नारासाका कहती है, ये एक अच्छा मौका है, हम साकी के घर ही जा रहे थे। युटा हैरान होता है। साकी युटा से कहती है, सॉरी मैंने उसे पढ़ाई में मदद करने के लिए बुलाया है। युटा कहता है, ओ इसीलिए, पर हमारे साथ आना नारासाका के लिए ऑकवर्ड नहीं होगा क्या? नारासाका कहती है, बिल्कुल नहीं, हम तो सेम घर को ही जा रहे हैं, तो तुम्हें अलग से जाने की क्या जरूरत है ना साकी? साकी कहती है, सही कहा। घर आकर नारासाका पहले एंट्री करती है। साकी युटा से कहती है, आज के शोर शराबा के लिए माफी चाहूंगी। युटा कहता है, मुझे परेशानी नहीं होगी, पढ़ाई के लिए गुड लक। साकी माया के साथ पढ़ने जाती है और युटा अपने रूप में कपड़े बदलता है। साकी युटा को यहाँ आते देख कहती है, ओ सॉरी मैं डिनर बनाना शुरू कर देती हूँ। युटा कहता है, ये ठीक है, मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता हूँ, मेरा काम से छुट्टी है इसीलिए तुम पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करो। साकी कहती है, शुक्रिया, ये एक बहुत बड़ी मदद है। युटा समझ नहीं पा रहा था कि उसे डिनर में क्या बनाना चाहिए, तभी माया उसके पास आती है। युटा कहता है, तुम्हें एक ड्रिंक चाहिए तो ये फ्रिज में है। माया कहती है, मैं उसके लिए नहीं आई हूँ, मैं देखने आई हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। युटा कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा रेसिपी बनाऊँ। माया कहती है, समझ गई, हे साकी बाकी टाइम रिव्यू करना, ठीक है? साकी कहती है, मदद के लिए शुक्रिया। माया कहती है, मैं अभी आसामुरा को कुकिंग में मदद करूंगी। वो युटा से कहती है, मैं तुम्हें अपनी हाउसवाइफ पावर से पूरा हैरान कर दूंगी। युटा कहता है, ठीक है शुक्रिया। फिर वो युटा को कुकिंग के प्रोसेस सिखाती है जिससे युटा काफी अच्छा डिनर बना पाता है। इस दौरान माया पूछती है, तो आसामुरा क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे और साके के बीच कुछ भी नहीं है? युटा कहता है, अगर होता तो ये परेशानी वाली बात होती। माया कहती है, तुम दोनों तो बेसिकली स्ट्रेंजर्स हो, है ना? तुम लोग तो ब्लड रिलेटेड भी नहीं हो। युटा पूछता है, तुम अयासे से मेरे रिलेशनशिप को लेकर इतने क्यूरियस क्यों हो? माया कहती है, मैं श्योर नहीं हूँ पर मुझे ये फीलिंग्स आ रहे हैं क्योंकि साकी अब थोड़ी सी बदल गई है, जैसे कि अभी वो ज्यादा परफ्यूम यूज करने लगी है। पिछले साल उसने बस वेट वाइप्स यूज किया था परफ्यूम के बदले जब वो पसीने से गीली हो गई थी। युटा कहता है, पर इस साल वो और भी ज्यादा यूज कर रही है। माया कहती है, हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसे इंसान की बिहेवियर है जो अपने किसी खास इंसान के लिए कॉन्शियस है, ये डिटेक्टिव माया की इंट्यूशन बोल रही है। युटा कुछ बोलता नहीं है तो माया कहती है, यार मैं तुम्हें बता रही हूँ कि एक सुपर क्यूट गर्ल तुम्हारे बारे में सोचती है फिर भी तुम्हें परवाह नहीं है। युटा कहता है, साकी के लिए मेरे बारे में सोचना नेचुरल है, जब तुम किसी अपोजिट सेक्स वाले के साथ रहते हो तब तुम्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि तुम कैसे स्मेल कर रहे हो। माया कहती है, क्या ये ऐसा है? पर देखो वो अभी तुम्हारे तरफ ही देख रही है। युटा देखता है कि साकी सच में उसके तरफ ही देख रही है। वो कहता है, उसे रियलाइज हो गया होगा कि हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तुम्हारी आवाज का भी ऊंची है नारासाका। माया कहती है, और इसी के साथ हमारा खाना बनाने का समय खत्म हुआ। रात को साकी और युटा डिनर खाते हैं और दोनों को ही ये डिनर बहुत बढ़िया लगता है। युटा पूछता है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? साकी कहती है, तुम्हारे मदद के लिए शुक्रिया, मैं उन सवालों का जवाब इजीली दे पाई जो माया लेकर आई थी, पर वो गुस्सा हो गई क्योंकि उसे लगा कि मेरी पढ़ाई काफी नहीं थी। युटा कहता है, सच तो ये है कि हमारा तरीका डायरेक्ट नहीं है। साकी कहती है, तुम चिंता मत करो, ये मेरे लिए काम कर रहा है, मैं श्योर हूँ कि कल का टेस्ट मेरा अच्छा ही होगा। युटा कहता है,
ठीक है, मैं तुम्हें सपोर्ट करता रहूंगा आया से। साकी खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू आसामुरा। फिर दोनों अपना डिनर कंटिन्यू करते हैं। स्कूल में आसामुरा से उसका दोस्त कहता है तुम थोड़ा परेशान लग रही हो। युटा कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। काम में भी युटा का मन नहीं लग रहा था। योइमुरी कहती है क्या तुम ठीक हो, मैंने कभी भी मेरे प्यारे जूनियर को इतना परेशान नहीं देखा था। युटा कहता है आई एम सॉरी, मैं सीधा घर जा रहा हूँ। घर आकर युटा सीधा साकी के रूम में आता है। वो देखता है कि साकी अभी तक घर वापस नहीं आई है। बाहर जोर से बारिश हो रही है तो वो साकी के कपड़े उसके बालकोनी से अंदर ले आता है। शहर में ये बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कपड़े समेटते हुए न्यूज़ सुनता है कि आज टोक्यो में जोरों की बारिश के साथ कुछ जगहों पर बिजली भी गिर रही है और तूफान की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम्स आ रही है। ये सब शाम से ही ऐसा है। ये है सीबीआर टोक्यो का करंट सिचुएशन। कुछ स्टेशन में बाढ़ भी आ गए है और इस समय में ट्रेन पैसेंजर से भरे हुए होते है। युटा को साकी की बहुत चिंता हो रही थी तो वो उसे एक मैसेज कर देता है कि तुम अभी कहाँ पर हो। बहुत समय बाद भी युटा को कुछ रिप्लाई नहीं मिलता है तो साकी के लिए उसकी चिंता और भी बढ़ जाती है। वो घर से दो छाते लेकर साकी को लाने जाने का डिसाइड करता है। लिफ्ट का इंतजार करते टाइम जल्दबाजी में वो किसी से टकरा जाता है और कहता है आई एम सॉरी, क्या तुम ठीक हो। ये तो साकी थी। साकी कहती है आसामुरा क्या तुम कहीं जा रहे थे। युटा कहता है नहीं मैं तो बस तुम्हारा आने में लेट हो रहा था और बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। मैं चिंता में था कि तुम्हारा टेस्ट खराब गया होगा तो तुम दुखी होकर कहीं रो रही होगी। साकी कहती है तुम्हें सच में चिंता हुआ होगा इसीलिए मैं माफी चाहूंगी। टेस्ट के बारे में बताऊँ तो मुझे बेस्ट रिजल्ट नहीं मिला। साकी दिखाती है कि उसे टेस्ट में 94 मार्क्स मिला है। वो कहती है आसामुरा तुम्हें 96 पॉइंट मिला था ना, मैं तुम्हें बीट नहीं कर पाई, ये फ्रस्ट्रेटिंग है। युटा स्माइल करके कहता है मुझे ऐसे मत डराओ। साकी कहती है तुम्हें चिंता में डालने के लिए सॉरी, मैं कुछ ग्रोसरीज लाने गई थी। युटा पूछता है क्या तुम टेस्ट को पास करने की खुशी में सेलिब्रेट करना चाहती थी। साकी कहती है आधा सही आधा गलत, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। युटा कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना पड़े। साकी कहती है तुमने मेरे टेस्ट के लिए बहुत कुछ किया है। तुमने मुझे नए म्यूजिक के बारे में बताया, मुझे बताया कि मॉडर्न लिटरेचर को कैसे पढ़ा जाता है। कल तुमने मेरे लिए डिनर भी बनाया था इसीलिए मैं आज तुम्हारे लिए बढ़िया डिनर बनाऊंगी। या तुम सिर्फ अपने से किसी बड़े पर ही निर्भर करना पसंद करते हो। युटा कहता है तुम्हारा मतलब योमियोरी सेंपाई। साकी कहती है हाँ वही एक है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम भी ठीक उसी तरह मुझ पर भी निर्भर करो घर के कामों में।